हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि आप लो काफी question, काफी लोगों का काफ़ी डिमांडिंग था ये क्वेश्चन कभी काफ़ी लोगों का क्वेरीज भी थी और मुझे मेल भी कुछ लोगों ने किया था कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं और अवर्ली सेटअप लेने के पीछे क्या रीज़न है तो हम उसको देखेंगे कि कौन सा बेस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम होता है जिस पे हम सिल्वर माइक्रो में या सिल्वर मिनी में ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली सिल्वर में करते हैं तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल होता है वो होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना है आप जिस भी सेटअप में काम करेंगे सारे सेटअप वर्क करते हैं लेकिन मैं अवली सेटअप में काम करता हूं उसके पीछे का क्या, क्या लॉजिक होता है उसको हम देखेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए आपको रेगुलर वे से मॉर्निंग में मॉर्निंग के एनालिसिस इवनिंग के एनालिसिस साथ में वीकली सेंटीमेंट्स और साथ में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और कुछ लर्निंग की वीडियो मिलती रहती है जो कि मैंने ऑलरेडी प्ले में डाल रखी है सारी आप वहाँ से जाके लर्न कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यहां पे मैं आपके लिए टाइम टाइम पे चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ जिससे आपकी काफ़ी कुछ लर्निंग हो सकती है अब चार्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स तो चार्ट पे आते हैं सबसे पहले हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो व्यू होता है टॉप डाउन अप्रोच होती है जो हमारा सबसे पहले होता है कि हम पूरे डेली क्योंकि हम इंटरडेट ट्रेडर हैं तो इंटरडेट ट्रेडिंग के लिए हमें सबसे पहले अपना डेली का मूड समझना होता है उसके बाद में हमें फोर आवर सेटअप में देखते हैं कि पूरे दिन में उसने किस तरह परफॉर्म किया है उसके बाद में हम आवर्ली सेटअप पे जाते हैं वहाँ से हम उसका क्लियर कट मूव लेते हैं उस पर हम ट्रेडिंग करते हैं तो आवर्ली सेटअप पे जाने के पीछे जो मेरा रीज़न होता है उसका ये होता है कि मार्केट उसके बाद में रिएक्ट करना स्टार्ट करता है अगर हम पंद्रह मिनट में इसको चलते हैं सबसे पहले हम पंद्रह मिनट में अगर आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल दिखा देते हैं जैसा कि कुछ लोगों की क्वेरीज़ थी पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं तो अभी आप देख रहे हो पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट रजिस्टेंस निकालना उतना बेटर वे से यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट हमेशा स्पाइक लगाता है और डाउन मूव आता है तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा हमें उतनी अच्छी क्लियरिटी भी नहीं मिल पाती है और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं आपको प्रॉफिट होगा लेकिन ओवरऑल जो मैंने एक्यूरेसी निकाली है जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है मैं आवर्ली पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता हो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपके जो सपोर्ट इंस्टूडेंट बनेंगे छोटे छोटे बनेंगे स्टॉप लॉसेस कम होंगे लेकिन उसके कम्पेरिजन में आपके जो एस एल होने के चांसेस रहेंगे वो भी बढ़ जाते हैं तो इस वजह से हम आवर्ली सेटअप में चलते हैं और उसके बाद में फर्दर वन बाई वन करके एक स्टेप ऊपर जाते हैं क्योंकि जितना बड़ा व्यू से आप छोटे छोटे व्यू में रिफाइन करते हुए आएंगे उतना अच्छा आपको सेटअप मिलता हुआ दिखेगा तो इस वजह से मैं पंद्रह मिनट या भाई थर्टी मिनट में नहीं ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अब हमें आवर्ली में ट्रेड करने के पीछे जैसा कि मैं आपको रेगुलर बेस से बताता रहता हूँ कि आवर्ली में आप व्यू बनाइए देखिए मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेप ऊपर जाना होता है सबसे पहले जो हमारा सेटअप होता है डेली होता है इंटर डे के लिए डेली में आप मूड समझने की कोशिश करिए कि मार्केट का क्या मूड चल रहा है अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है सपोर्ट के पास खड़ा है या रेजिस्टेंस के पास खड़ा है जैसा कि आप देखोगे लगातार ये 68,000 के रेजिस्टेंस के पास मार्केट और ऊपर ही 69,000 को तोड़ नहीं पा रहा तो ये इसके लिए एक रेंज हो गई नीचे 68,000 ऊपर 69,000 अगर मार्केट इसके आसपास घूमता रहता है तो हमें यहाँ से एक व्यू मिल गया है कि मार्केट में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है तो हम सबसे पहले सिक्सटी को एक मार्किंग कर लेते हैं बहुत ही ईजी वे से और उसके बाद में सेकेंड मार्किंग हमारी 69,000 के अराउंड में रहती है जो कि मार्केट यहाँ से कहीं रिएक्ट कर रहा है सौ डेढ़ पॉइंट ऊपर नीचे चलता है लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है फोर आवर क्योंकि इसके बाद में जो टाइम फ्रेम मुझे मिलता है वो आवर का ही मिलता है उससे छोटा हमें टाइम फ्रेम नहीं मिलता है जैसा आप देख रहे हैं फोर आवर पर हमने मार्किंग कर लिया डेली टाइम फ्रेम में अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो मार्केट उसके आसपास जाता है तो वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इस वजह से हम फिर फोर आवर में यहाँ से हमें थोड़ा और भी मिलता है कि मार्केट एक फर्दर एक रेंज में फंसा हुआ है तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट व्यू आता है वो हमारा आता है आवर्ली टाइम फ्रेम फोर आवर के बाद हम आवर्ली सेटअप पे जाते हैं अब आवर्ली टाइम फ्रेम में हमें रेंज की फॉर्मेशन क्लियर कट मूव फोर आवर में हमने देख लिया मार्केट अभी रेंज में है और ब्रेकआउट लेवल पर फंसा हुआ है तो इस तरह के मूव्स के लिए आप जब भी जाते हैं तो वहाँ मार्केट ज़्यादा सपोर्ट रजिस्टेंट बनाता हुआ दिखता है बहुत छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बनती हुई दिखती है यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर कट मोमेंटम रहता है एक रेंज का फॉर्मेशन रहता है बहुत ईजी भी रहता है हमें ट्रेडिंग फाइंड आउट करने के लिए और इसके बाद में हम नेक्स्ट जब जाते हैं इसे फर्दर भी नीचे जाओगे आप तो वहाँ पर आपको और कुछ मूव दिखाई देता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सेटअप में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है टाइम फ्रेम आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आप इंटरडेट ट्रेडिंग कर रहे हैं स्कैल्पिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन एक्सपायरी नहीं होती है कि एक टाइम डिके है वो एक्सपायर होता रहता है क्योंकि हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इस वजह से इसमें मोमेंटम का हमें प्रॉफिट लेना होता है मूव जितना अच्छा होता रहेगा उतना हमें फेवर में चलेगा मूव आज करे कल करे उसके ऊपर डिपेंड करता है इस वजह से हम कम से कम हमें आवर्ली टाइम फ्रेम में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए इसके लिए मेरे पास चार लाइन्स हैं आपके लिए कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल में भी जल निकलेगा मेहनत कर चार्ट पर टाइम दो सीखने का ही नहीं प्रॉफिट का भी फल निकलेगा जिससे आपका जबरदस्त प्रॉफिट होगा आपका कॉन्फिडेंस होगा इस तरह से आप सीखेंगे देखेंगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिवार्ड देता रहेगा और अगर इससे हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं थर्टी मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो मार्केट आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स बनाए हैं हमें थोड़ा सा उतना क्लियर कट मूव नहीं होता यहाँ पे छोटे पॉइंट्स के लिए ठीक रहता है आपको 150 पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं लेकिन आपको बड़े मूव लेना है तो आवली टाइम फ्रेम में या फिर फोर आवर में लेते हैं तो और ज़बरदस्त आपको मूव मिलेगा क्योंकि जितने टाइम फ्रेम में था उतना बड़ा मूव के लिए हम उस उसमें जाते हैं डेली में जाते हैं तो डेली में हमें डेली का रेंज पकड़ना होता है अवली में हम अवर्ली एक घंटे की रेंज पकड़ते हैं पंद्रह मिनट में हम पंद्रह मिनट की रेंज पकड़ेंगे पंद्रह मिनट में मार्केट कितना परफॉर्म कर देगा आपको अगर दस दिन ट्रेडिंग करते हैं तो एक या दो दिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी उसके बाद में मार्केट उसी रेंज में फंसा रहेगा इस वजह से मैं अवली सेटअप पकड़ता हूँ कि अवली में जनरली कैंडल्स अंडर दो तीन सौ पॉइंट का मोमेंटम देती है उतना हमारे लिए बैल एंड गुड होता है जॉब के साथ ट्रेडिंग करने के लिए इवनिंग के टाइम पे वो मोमेंटम अच्छा होता है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो डाल रखी है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो 5 पीएम की सेटअप की जो वीडियो है आप उसको देखिए मैं 7 पीएम की वीडियो आपके लिए फर्दर लेके आऊंगा थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ शेयर करते रहिए थैंक यू